महाराष्ट्र में शिवसेना की विरासत को लेकर जो घमासान चल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा शिवसेना के नाम और सिंबल को फ्रीज किए जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच पार्टी के नए नाम और चिन्ह को लेकर संघर्ष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने कल ही इलेक्शन कमीशन को पार्टी के नए चिन्ह और नाम के सुझाव भेज दिए थे, तो वहीं अब आज शिंदे गुट ने अपनी तरफ से पार्टी के नए नाम और चिन्ह को लेकर आयोग के पास अपना प्रस्ताव भेजा है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के नाम को लेकर दोनों ही गुटों की तरफ से एक जैसे नाम और चिन्ह भेजे गए हैं, जबकि जो दोनों तरफ के चुनाव चिन्ह हो या पार्टी के नाम एक जैसे हैं, ऐसे में एक बार फिर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे गुट ने जो नए चिन्ह का सुझाव भेजा है उसमें त्रिशूल, उगते हुए सूरज और मशाल हैं। इसके अलावा पार्टी के जो तीन नाम भेजे गए हैं उनमें शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रमोदकर ठाकरे है, जो इलेक्शन कमीशन के सुझाव के रूप में भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को पार्टी के नाम और चिन्ह का सुझाव भेजा गया है, जिसमें उगता हुआ सूर्य, मशाल और गदा का प्रस्ताव है। दोनों ही गुट की तरफ से अब चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर संघर्ष देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक उगता हुआ सूरज और त्रिशूल को इलेक्शन कमीशन नकार सकता है। दोनों गुटों की तरफ से लंबी चर्चा के बाद प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर करारा हमला बोला और कहा कि 40 सिरों वाला रावण हमारी शिवसेना को हमसे छीनना चाहता है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के दूसरे नेता भास्कर जाधव ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उद्धव साहब को हमने हमारी भावना पहुंचाई, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि उद्धव साहब हमारे जो नेता है, हमारे जो पक्ष प्रमुख है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल शांत है और उनका पूरा भरोसा आज जनता के ऊपर है। उन्होंने हमें संबोधित करते हुए ये बताया कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, स्वायत्त संस्था है, उससे हम डेमोक्रेसी के तहत न्याय मांग रहे हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन तुम एक ध्यान रखो कि इस सबके न्याय के ऊपर और एक न्याय है, न्यायालय है, और वो जनता का न्यायालय है। वो जनता के न्यायालय में हम लोग जाएंगे, हमें विश्वास है कि जनता हमें न्याय देगी, तो हताश होने का कारण नहीं, निराश होने का कारण नहीं, संयम छोड़ने का कारण नहीं। संयम रखो, शांति रखो, अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ। कई कार्यकर्ता रो रहे हैं, हताश है, निराश है, उन्हें गुस्से में है, उनको सबको समझाओ कि जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और डेमोक्रेसी में उसे हमें न्याय मिलेगा, यही उद्धव साहब का।